हरियाणा में सरसों की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन फतेहाबाद की मंडी में सरसों की आवक शुरू नहीं हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि सरसों खरीद के पूरे बंदोबस्त हैं, जल्द सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। हालांकि पहले दिन कई जिलों में खरीद एजेंसियां सरसों खरीद को लेकर एक्टिव हुई। हरियाणा में 104 खरीद केंद्रों पर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से सरसों खरीदी जा रही है। वहीं फतेहाबाद की अनाज मंडियों में सरसों की खरीद के कार्य को पूरा कर लिया गया है। हालांकि जिले की मंडियों में सरसों की आवक शुरू नहीं हुई। फतेहाबाद जिला सरसों बाहुल्य क्षेत्र नहीं है। मंडी प्रधान ने किसानों से अपील की कि अपने सरसों की फसल को किसान सुखा कर लाए, ताकि किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिल सके। सरसों खरीद के लिए जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही खरीदी जानी है, अभी तक तो उसका टेंडर भी नहीं हुआ है। जो लेबर का टेंडर होना है उसके बारे में अभी मेरी अधिकारियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं हम कल टेंडर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता अभी 2-3 दिन कोई खरीद शुरू हो पाएगी। सरसों की अभी अराइवल नहीं है, नाम मात्र की अराइवल है, लेकिन किसान भी इंतजार कर रहे हैं जब खरीद शुरू हो जाए तो अपनी मंडी में सरसों लेकर। अभी तो प्राइवेट सरसों है वो 5,000 के आसपास बिक रही है, लेकिन गवर्नमेंट का जो रेट 56,500 है वो उस रेट से खरीदेंगे। मेरी किसानों से एक अपील है कि अपनी सरसों को साफ सुथरी करके सुखा के लेके आए, ताकि यहाँ आने पर किसी तरह की दिक्कत ना हो। अपनी डेयरी साफ सुथरी करके लाए, ताकि सरकार के जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार उनकी खरीद हो सके। मार्केट कमेटी के सचिव यशपाल मेहता ने बताया कि मंडी में सरसों की खरीद के पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। हालांकि सरसों की आवक अभी शुरू नहीं हुई, एक या दो ढेरी ही मंडी में आई है। उन्होंने कहा कि सरसों खरीद में किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतने दी जाएगी। किसान अपनी सरसों की फसल मंडी में सुखा कर लाए, ताकि उनकी फसल सही दाम पर खरीदी जा सके और किसानों को मंडी में न बैठना पड़े। देखो, सरसों की जो खरीद है वो अपने फतेहाबाद में ही होनी है, जिसके लिए हमने क्वार्टर मंडी डिसाइड किया है। सारी फसल वहीं पर गिरवाएंगे। इसके अलावा सारी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, जिससे किसानों की तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। ये तो एजेंसी ही बताती है, एजेंसी इसका जवाब दे पाई, हो जाना चाहिए। तभी तो परचेज शुरू किया, गवर्नमेंट द्वारा परचेज की जा रही है। पूरे प्रबंध किए जा चुके हैं, किसानों को किसी तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। हाँ, 5,650 रुपये सरकारी खरीद निश्चित किया गया है। जिस तरह को तो एजेंसी द्वारा खरीद की जानी है, जो सरकार द्वारा मानक तय किए गए हैं उसी मानकों के आधार पर ही सरसों खरीद की जाएगी। फिलहाल हरियाणा में सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने एक किसान के लिए एक दिन में 25 क्विंटल सरसों की खरीद की सीमा तय की है। अगर किसान की उपज 25 क्विंटल से अधिक है तो उसे अगले दिन फसल खरीद के लिए लानी होगी। फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।